नमस्कार, मैं विजय कुमार सेन आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। टॉपिक है आज का हमारा स्कोप ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर फर्स्ट क्लास ट्वेल्थ। स्कोप ऑफ मैनेजमेंट इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इसमें हम पढ़ेंगे कि प्रबंध का क्षेत्र क्या है। क्षेत्र या दायरा, प्रबंध जो है उस प्रबंध का क्षेत्र क्या है, उसका दायरा क्या है, उसका स्कोप क्या है, उसका स्कोप उसका एरिया क्या है, वो कितना वाइड है। ठीक है, तो चलिए एक लाइन लिख रहा हूं। वेयर इज ऑर्गेनाइजेशन There is management। जहां भी संगठन होगा वहां पर प्रबंध होगा। Where is management? Where is organization? There is management। बच्चों, संगठन जहां भी होगा, संस्था जहां भी होगी, हर संगठन में मैनेजमेंट की नीड होती है। चाहे संस्था कैसी भी हो, चाहे संस्था छोटी हो या संस्था बड़ी हो, चाहे संस्था सामाजिक हो या राजनीतिक हो या आर्थिक हो या अनार्थिक हो, कैसी भी संस्था हो, हर संस्था में मैनेजमेंट की नीड होती है। तो ये लाइन इस बात को बताती है कि मैनेजमेंट का जो दायरा है, मैनेजमेंट का जो स्कोप है, वो कितना वाइड है। ठीक है, सो वी कैन से मैनेजमेंट हैव अ वाइड स्कोप। मैनेजमेंट हैव अ वाइड स्कोप। मैनेजमेंट का जो स्कोप है वो बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है। इसके स्कोप को हम स्टडी के पर्पज से, अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में बांट के पढ़ते हैं। ठीक है, हम इसके क्षेत्र को, हम इसके दायरे को तीन भागों में देखेंगे। ठीक है, नंबर वन, फंक्शनल एरियाज। फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस या मैनेजमेंट, फंक्शनल एरियाज ऑफ नॉन बिजनेस एंड न्यू फंक्शनल एरियाज। हमने प्रबंध के क्षेत्र को अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में बांट दिया। नंबर एक, फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस, बिजनेस का, व्यवसाय का क्रियात्मक क्षेत्र। नंबर दो, गैर व्यवसायिक जो क्रियाएं हैं, ठीक है, उनका क्षेत्र, और न्यू फंक्शनल एरियाज जो नए क्रियात्मक क्षेत्र हैं। इसके इस तरह से हमने व्यवसाय को तीन भागों में बांट दिया। चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस। फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस क्या है? नंबर वन, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट सबसे पहले हमने पढ़ा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, या इसको वहीं लिखते हैं उधर,
functional areas of business. सबसे पहले बात करेंगे प्रोडक्शन मैनेजमेंट. सबसे पहले बात करेंगे कि बिजनेस का जो क्रियात्मक क्षेत्र है, फंक्शनल एरिया है, उसके अंदर प्रोडक्शन मैनेजमेंट. प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या है? इसे कहते हैं उत्पादन प्रबंध. नाम से ही पता लग रहा है कि उत्पादन प्रबंध की नीड होती है एक व्यावसायिक क्षेत्र, एक व्यवसाय में एक प्रबंधन के लिए. प्रोडक्शन मैनेजमेंट का काम क्या होता है, प्रोडक्शन मैनेजर क्या करता है? तो प्रोडक्शन मैनेजर, सीधी सी बात है, प्रोडक्शन की जो एक्टिविटी है, प्रोडक्शन में होने वाली जो एक्टिविटी है, उसमें आने वाला जो गुड्स है, ठीक है, या प्रोडक्शन की जो क्रिया है, उसको देखता है कि उत्पादन किस तरह से किया जाए, प्रोडक्शन किस प्रकार से किया जाए कि चीपेस्ट और इफेक्टिव, एफिशिएंट और इफेक्टिव मैनर में हो, उत्पादन अच्छा भी हो, मार्केट की टेक्नोलॉजी के अनुसार, मार्केट में टेक्नोलॉजी जो अवेलेबल है उसके भी यूज़ किया जाए, जो डिमांड है उसका भी यूज़ किया जाए, ठीक है. तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट उत्पादन संबंधित है. दूसरा है मटेरियल मैनेजमेंट. अच्छा, मटेरियल को मैनेज करने के लिए, मटेरियल से संबंधित जानकारी के लिए, मटेरियल जब वाइड लेवल पे बड़े स्तर पे काम होता है, आज बिजनेस जो है आज एक गली मोहल्ले तक नहीं रहकर के आज वर्ल्ड वाइड हो चुका है. तो ऐसी कंडीशन में आप बिजनेस करने जा रहे हैं, आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसमें लगने वाले मटेरियल के मैनेजमेंट के लिए मटेरियल मैनेजमेंट की नीड होती है, ठीक है. थर्ड है फिनांस. आपको पता है कि फाइनेंस को बिजनेस का ब्लड कहा जाता है. फाइनेंस इज द ब्लड ऑफ बिजनेस, ठीक है. अब फाइनेंस के लिए, फाइनेंस के लिए एक प्रबंधक की नीड होती है जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को संभाल सके. तो फाइनेंशियल एक्टिविटी के लिए जिसकी नीड होती है वो फाइनेंस मैनेजमेंट. उसके बाद बात करते हैं ऑफिस को हैंडल करने के लिए, ऑफिस को संभालने के लिए ऑफिस मैनेजमेंट. इसी तरह से है ट्रांसपोर्ट को संभालने के लिए ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट. इसी तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट को संभालने के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैनेजमेंट. अकाउंट्स को संभालने के लिए अकाउंट मैनेजमेंट. अकाउंट्स को संभालने के लिए अकाउंट्स मैनेजमेंट. तो ये सारे पार्ट्स हैं फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस. एक बिजनेस में, एक व्यवसाय में मैनेजमेंट के कई टाइप्स हैं, ठीक है. हर एक्टिविटी पे मैनेजमेंट लागू होता है. और जब स्पेसिफाई हम करते हैं, स्पेशलाइजेशन की अगर हमको नीड होती है, तो उन एक्टिविटीज को हम आगे पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स में कि डिवीजन ऑफ वर्क. तो डिवीजन ऑफ वर्क में हमने क्या किया, प्रोडक्शन को एक अलग डिवीजन बना दिया और उसके लिए एक अलग मैनेजमेंट कर दिया. मटेरियल को हमने एक अलग डिवीजन बना दिया, एक अलग मैनेजमेंट कर लिया. फिनांस को हमने एक अलग डिवीजन बना दिया, उसके लिए अलग मैनेजमेंट कर दिया. ऑफिस का अलग डिवीजन, उसका अलग मैनेजमेंट. तो ये सारी की सारी बिजनेस में होने वाली एक्टिविटीज है, ठीक है. तो हम पढ़ रहे थे फंक्शनल एरियाज ऑफ बिजनेस. सेकेंड इज अब आपको लग रहा होगा सर हाँ ऐसा भी होता है, मैनेजमेंट बिजनेस के अलावा भी लागू होता है. जी हाँ, बिल्कुल लागू होता है. मैनेजमेंट केवल ना केवल बिजनेस में, अभी तो बिजनेस के अलावा और जो अदर एक्टिविटीज़ हैं, जो नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, उनके अंदर भी लागू होता है. फॉर एग्जांपल देखिए, पब्लिक यूटिलिटी.
पब्लिक यूटिलिटी जो है, जैसे गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, वाटर है, हाँ, इन सब के अंदर भी मैनेजमेंट की नीड पड़ती है। पब्लिक यूटिलिटी जितने भी होते हैं उन सभी पब्लिक यूटिलिटीज के अंदर भी मैनेजमेंट की नीड होती है, तो ये नॉन बिजनेस एक्टिविटी है। इसके अलावा एनवायरमेंट के लिए एनवायर मैनेजमेंट, एनवायरमेंट के लिए एनवायर मैनेजमेंट, एजुकेशन के लिए एजुकेशन मैनेजमेंट, डिफेंस के लिए डिफेंस मैनेजमेंट, जस्टिस के लिए जस्टिस मैनेजमेंट, तो ये सारे वो सेक्टर है जो नॉन बिजनेस है, यहां पर भी मैनेजमेंट लागू होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं न्यू एरियाज कौन कौन से हैं। तो देखिए न्यू फंक्शन कौन कौन से हैं वो भी पढ़ लेते हैं कि बिजनेस के जो न्यू फंक्शन है, जहां पर मैनेजमेंट के जो न्यू फंक्शन है जो अभी न्यू डेवलप्ड हुए हैं लेकिन वहां पर भी मैनेजमेंट लागू होते हैं। न्यू फंक्शनल एरिया कौन कौन सा है, तो जैसे आप नाम सुना होगा इवेंट मैनेजमेंट, आजकल बहुत चल रहा है मार्केट में इवेंट मैनेजमेंट, ये न्यू फंक्शनल एरिया है। इवेंट्स के लिए जो मैनेजमेंट किया जाता है वो इवेंट मैनेजमेंट है। टाइम मैनेजमेंट, आजकल हर व्यक्ति बिजी है तो टाइम मैनेजमेंट, रिस्क एंड सिक्योरिटी, हर बिजनेस में हर जगह पर रिस्क होती है तो रिस्क एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ये नए क्षेत्र हैं जो पहले नहीं होते थे। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, जब कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट करता है तो उसके लिए पोर्टफोलियो देखता है, तो इन्वेस्टमेंट के लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, तो ये सारे के सारे हमने बात की एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध का क्षेत्र। और बच्चों जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रबंध का एक विस्तृत क्षेत्र है। ठीक है, प्रबंध के अंतर्गत जो एक्टिविटीज हैं, जो कार्य हैं, उन क्रियाओं को एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। हमने तीन भागों में बांट के पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा बिजनेस, फिर नॉन बिजनेस, और फिर पढ़ा न्यू फंक्शनल एरियाज। ठीक है, ये चैप्टर, ये टॉपिक आपके यहाँ पर पूरा होता है। फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।